हर एक बात मेरे को तेरे से पूछने का है। मैंने जिंदगी में कभी तेरे से लोन लिया था क्या? नहीं तो? तो तेरी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता क्यों जा रहा है यार? मैं कब्रिस्तान के पास जा रहा था, एक खातून बैठ के पंखा कर रही। मैंने कहा बहन जी कौन है? बोले मेरे शोहर है। मैंने कहा आपके प्यार को सलाम करता हूँ, जीते जी पंखा करी, मरने के बाद भी कब्र में पंखा। बोले नहीं भाई साहब, हमारी बिरादरी में एक दस्तूर है, जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती दूसरी शादी नहीं कर सकते। तुम नालायक बच्चों, कुछ पढ़ाई लिखाई भी करते हो कि नहीं? अच्छा, इसको अपनी मातृभाषा में बोल के सुनाओ। टेबल पर चाय किसने गिराई? माँ की भाषा में मैडम। हाँ, मम्मी ने कुत्ते। टेबल पे किसने चाय गिराई बताओ? देखिए, जिसके पास होता है। क्या होता है? वो डाल के हिलाता है, है? और जिसके पास नहीं होता है वो उंगली से काम चलाता है। बड़ा बेहुदा सवाल है यार तुम्हारा। सीधा सीधा सवाल है मैडम, समझने की कोशिश। दुनिया में तीन ही लोग होते हैं जिनकी बातें औरतें ध्यान से सुनती हैं और मानती हैं। पहला टेलर, दूसरा फोटोग्राफर और तीसरी ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। हाँ? लगता है वहाँ जाके अंकल का पैर फिसल गया। पागल है, पापा ऐसे नहीं है। होता ऐसा कोई नहीं, बनते हैं सब भोले, घर में बांधा नाड़ा बैंकॉक जाके खोले। क्या हुआ? मुझे ये बताओ कल क्या है? तुम्हारा बर्थडे? नहीं। मेरा बर्थडे? नहीं। क्या हो सकता है? अच्छा, हमारी मैरिज एनिवर्सरी? जी नहीं। तो फिर क्या है? कुछ नहीं। एक डॉक्टर मैंने कहा वो जवाना सिगरेट छोड़ दे तेरी जिंदगी बात देगी। एक दिन मैं सिगरेट ना पीता, वो दिन मुख ही ना।是时候表演真正的技术了。पापा तेरे को कैसे कहते हैं दूध पी? दूध पी लो। और मुझे कैसे कहते हैं? पी लो। नवाज शरीफ। भैंचोद। जरदारी। भैंचोद। आमिर लियाकत। भैंचोद। अल्ताफ हुसैन। तू भैंचोद। इमरान खान। हेलो। हाँ जी बोलो। आपने खाना खाया? आपने खाना खाया? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे कॉपी कर रहे हो? आप मुझे कॉपी कर रहे हो? चलो ना शॉपिंग पे चलें। मैंने खाना खा लिया है? सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। मैं क्या करूं? अरे पगली, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। क्यों मार रही हो उसे? मम्मी जी, इन्होंने मुझे वॉश में करने के लिए चाय में ताबीज डाला है। अरे वो ताबीज नहीं, टी बैग है गंवार औरत। पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना, तो वो भी साथ में ही रहती है। रख, रख तेरी माँ की, रख। भाभी जी, आपकी तो तबीयत खराब थी, कैसे आराम आया आपको? बहुत तबीयत खराब थी भैया, ना कोई दवा ना कोई तबीज काम आया। फोन करके पति से लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। क्या? अरे यार, ये कंप्यूटर क्या सलाम है यार? ब्रो यार, यार 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 रो
हेलो मैं आ गई। ऐसे क्यों हंस रहे हो? वो मुझसे किसी ने कहा था कि जब मुसीबत सामने आया तो उसका हंस के सामना करो। चल बड़े तुझसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ। पांच बार जवाब देना। हाँ। पक्का? पक्का। मर दे? मर दू। कच्चा है? पक्का है। पक्का हूँ। लड़का है? लड़की है? लड़का हूँ। शेर है? शेरनी है? शेर हूँ। हिजड़ा? हिजड़ी है? हिजड़ा हूँ। जानू जो हमारे नए पड़ोसी आए हैं ना, वो हमेशा ऑफिस जाते टाइम अपनी बीवी को पप्पी करके जाते हैं। आप क्यों नहीं करते? यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसकी बीवी को जानता भी नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो मैं कर। टुकुर टुकुर देखता हो गया, टुकुर टुकुर देखता हो गया, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा। हमें मौत से छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। ए! क्या बात? दरवाजा खोलो जल्दी। कौन है इतनी रात को? हम पुलिस वाले हैं। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गया है। तो दरवाजे के नीचे से सरका दो ना, दरवाजा खुलने की जरूरत है। क्या? हाँ एक बात पूछूं? क्या? सच बताओगे ना? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? अरे यार गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। खतरों से? जंगल में से आवाज आएगी, हीरोइन की नींद खुलेगी और उसको देखने जाना है। क्यों? यहाँ रात को अपने फ्रिज में से पानी पियो तो लगता है पीछे कोई खड़ा है। ये बहन आवाजों के पीछे। भैया ये रिजल्ट चेक करना। भैया मेरे वालिद साहब साथ आए हुए हैं। अगर एक में सैफली है तो बोलना एक मुसलमान सलाम दे दिया, अगर दो में सैफली है तो बोलना दो मुसलमान सलाम दे दिया। यहाँ तो पूरी उम्मत है मुस्लिमा तुम पे सलाम भेजने को तैयार है। भैया की गल, आज छोड़ा जेठ कुछ बोलिया नहीं? नहीं मेनू तो लगता है अज दी मर जाने दी तबीयत ही नहीं ठीक। जेठ जेठ कही तो जाने हो, पर देख लो साल च एक महीना जेठ दा हुंदा है। हुण पुत्र चाहिदा है? हां जी। सिर्फ पुत्र दे चक्कर धीयां जम्मी गई है। की करदी वे? पर पुत्र तो मेरा सोहना रब देंदा है, असीं दुआ करांगे रब तैनूं पुत्र देगा। ए दस बंदा की काम करता ही? मेरा खावन मर गया है। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं किसे लड़ सकता हूँ? क्यों? हुकूमत ने ऐलान किया जेड़े बंब दे विच मरे ने उन्हां लख लख रुपया, जेड़े जख्मी ने उन्हां नूं 50-50 हजार रुपया। जे चवल कोल खड़ोता कहिंदा अच्छा जी ते जिन्हां दा त्राह निकलिया उन्हां लई। वेटर जी सर, आज नाश्ते में क्या है? सर टोस्ट पर शहद लगा दूं खाओगे? नो वे, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकलता है और मैं किसी के मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। अच्छा तो फिर अंडा बना दूं? मेरा सजेशन सुन लो एक। हाँ। सर्दी आ रही है, मुंह पे मोजा पहना करो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एड़ी जैसा मुंह है फट जाएगा। पेशेंट हो? नहीं हलवा बेचे आए हैं। मतलब पेशेंट हो? तुमका का नजर आ रहा? अरे दाता प्रभु मालिक, पेशेंट हो तो यहाँ बैठो आके इतना कह रहे।
जरा टॉवल निकाल के बाहर आइए ना, मुझे तुम्हें ठीक से देखना है। हरामखोर, नालायक, हिम्मत कैसे हुई तेरी? कमाल है, खूबसूरत लगती हो। तू अंदर जाग रहा है क्या? लेकिन आप प्यारी ही अच्छी हैं। थैंक यू। मानूर और प्यारी होना चाहती? हाँ हाँ, क्यों नहीं होना चाहती? टेंड करा ले। भाई सुन, भाई सुन ना, हाँ बोल, मुझे राखी पर क्या गिफ्ट दे रहा है? डॉक्टर साहब बताओ ना, क्या तकलीफ है मुझे? मैडम आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप में आयरन की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है, और तो और विटामिन डी की भी कमी है। हे रे डॉक्टर, रहने दे, इतनी कमी तो आज तक मेरी सास ने भी कोना निकाली जितने तन्ने निकाल दी। चाय। मम्मा मेरे कपड़े। मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। मम्मा मेरे कपड़े प्रेस के लिए दे दिए थे। मम्मा सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दो। बहू मेरी चाय कहाँ है? बहू खाना लगा दे मेरा। बहू मेरे सर में दर्द हो रहा है, आके दबा दे। बहू कपड़े प्रेस कर दिए।